तो आ गए आप, स्वागत है आप सभी का हमारे माइटी फिनिक्स चैनल में। आज के वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। और अगर आपको हमें ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री है और ये मुझे बहुत ही मदद करता है आगे के वीडियो बनाने के लिए, इसे मोटिवेट करता है। तो और ये फ्री है और आप चाहे तो अपना माइंड बाद में बदल सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक मैप है, ये बनाया गया है मिस्टर ग्रीन के द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा मैप बनाता है माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका लोगो है। और ये यहाँ पे ये हब है जहाँ पे हम अपना कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और ट्रेडिंग करने भी आ सकते हैं। ये हॉल ऑफ अचीवमेंट, चलिए ये है एक गाइड बुक जिसे मैं लिखा बहुत कुछ है, जो कि ये लिखा यही लिखा है कि ये हब है, यहाँ पे स्टोर है, आप चाहे तो स्टोर यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। जैसे कि आप ग्रीन बॉक्स जैसे कुछ बॉक्स है जिसे अनलॉक कर सकते हैं, पर इसमें अपडेट के बाद इसको एमरल्ड में बदल दिया गया है और भी बहुत कुछ। तो यहाँ पे कस्टम मॉब ड्रॉप्स है जिसे कि मैं ऑन कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब ये स्काई ब्लॉक का बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो मैं इस हर चीज़ें ट्राई करके देखूँगा। तो यहाँ पे देखिए कस्टम ट्रेड्स भी है जैसे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ट्रेड खास। वाओ, कुकीज़ के बदले एमरल्ड फ्लावर पैक, सब पता नहीं ये सब क्या चीज़ है, पर ट्रेड्स अच्छा ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि एक डायमंड ब्लॉक वर्सेस वन विलेजर, बाप रे, तो लूट लूट बची एक है लूट। वाह, ये अकेला ट्रेड वर्थी ट्रेड है, 48 डायमंड्स के बदले एक बहुत ही ओपी शॉर्ट्स। और ये है स्टोर जिसे कि मैं अनलॉक करने वाला हूँ, क्योंकि स्टोर से मुझे बहुत ही मदद मिलेगा आगे वीडियो। और ये कीप इन्वेंटरी है शायद, हाँ कीप इन्वेंटरी है, तो इसे मैं ऑन कर दूँगा, क्योंकि देखो मुझे बहुत अच्छा प्लेयर तो मैं नहीं हूँ, तो अब मैं बार बार गिर मर सकता हूँ, तो इसके से मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। पर वादा करता हूँ इसके वजह से आपको रिग्रेट नहीं होगी और मुझे आप बुरा भी नहीं कर पाओगे। और ये मैंने स्टोर भी अनलॉक कर दिया, बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे की वीडियो के लिए ये चीज़। तो देखते हैं पहले स्टोर में क्या क्या मिलता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखिए ये ट्रेड्स, अच्छे अच्छे ट्रेड्स ही हैं, काफ़ी सुंदर ट्रेड्स, ट्रेड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। और देखते हैं क्या क्या है, नेदर की चीज़ें हैं एक दो डायमंड के बदले, बहुत ही बढ़िया। और इधर बोन मिल्टोनियम पीछे, वैसे आइटम फिर में सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या मिलेगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कितने प्राइस में मिलेगा। तो इट्स बहुत ही अच्छे दाम में मिल रहा है, मतलब ट्रेडेबल प्राइस है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब बढ़िया चीज़ ही है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली नहीं खोते, तो क्रिएटिविटी का यहाँ पर कमी नहीं होती। बहुत ही ओर्स हैं, सारे चीज़ें ही मतलब आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पे जितने चाहे अच्छा बन सकते हैं। और ग्रीन गुड्स में क्या है, सब कुछ सब बुके के, वो ये मुझे बुक्स प्रोवाइड करता है, अच्छा और नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम इससे ही काम चला लेते हैं। और ये है क्रशर, तो क्या चीज़ है, तो आप एक कुबल स्टोन के, लिखा हुआ है कि आप एक कुबल स्टोन के ऊपर आर्मर स्टैंड रख, एक पत्थर रख के उसके ऊपर एक आर्मर स्टैंड रख दो, और उस आर्मर स्टैंड के नाम आप रीनेम करके क्रशर दे दो, तो ये कोबल स्टोन ऑटोमेटिक माइन करता जाएगा और ये सिर्फ कोबल स्टोन के लिए वर्क करेगा। तो बहुत ही काम की चीज़ होने वाला है ये, इसे हम तो यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन आइलैंड पर, और ये प्लस बटन के साथ सच में प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हमने मेन आइलैंड पर आ चुके, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे चुके दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि देखिए ये आइस, ये क्या है, रुक जाइए मुझे चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन करने दीजिए। तो
मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत है और इस स्पॉन एक शायद चिकन स्पॉन एक है, तो मैं इसे बात के लिए बचा के रखूँगा, नहीं रखूँगी ना रखूँ, चलिए बात के लिए ही बचा के रख देते हैं। अब इस दोनों चीज़ों से एक कॉबल स्टोन जनरेटर बनाएंगे हम, जैसा कि इंस्टेंट है। तो पहले एक जगह बनाना था जहाँ पे हम अपना अनलिमिटेड, जहाँ पे हम एक वाटर सोर्स, इन्फिनाइट वाटर सोर्स क्रिएट करने वाले हैं। अभी नहीं, पहले कॉबल स्टोन जनरेटर ही बन रहे थे, पहले फिर इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। वाह, यहाँ पे अचीवमेंट्स भी बता जाता है। वाह, मिस्टर ग्रीन ने बहुत ही अच्छा स्काई ब्लॉक बनाया है, मतलब कोडिंग तो बहुत अच्छी की है, बहुत पूरा जावा वाला फील दे रहा है ये बेड रॉक पे भी। चलिए कुछ वुड्स कलेक्ट कर लेते हैं, और मैं यहाँ पूरा वुड्स कलेक्ट करूँगा तो मैं इस जगह को थोड़ा कट कर दूँगा। आपके सुविधा के लिए बता दूँ, यहाँ पे मैं पेड़ से वुड कलेक्ट करूँगा और लीव से सैपलिंग्स कलेक्ट करूँगा और पिकैक्स बनाऊँगा और सारा लीव से सैपलिंग्स मैं कलेक्ट करूँगा। और अब सब कुछ कलेक्ट करने के बाद एक टाइम आता है जब मुझे बनाना पड़ेगा वो भयंकर और सबसे ज़रूरी चीज़, जिसके बिना एक स्काई ब्लॉक मैप अधूरी रहता है, जिसका नाम है कोबलस्टोन जनरेटर। तो जिन लोग कोबलस्टोन जनरेटर बनाना नहीं आते, उनके लिए उन सभी को मैं दिखा दूँ कि कैसे बनाते हैं ये कोबलस्टोन जनरेटर। पहले आपको एक ब्लॉक और उसके सामने वाला ब्लॉक को माइन करना होता है, फिर लावा को ध्यान से प्रेस करना होता है और रेडी बन चुका है आपका कोबलस्टोन जनरेटर। और ये लावा आपको विचार बंद कर दो। तो अब हमें इसे माइन करना पड़ेगा और आप हो चुके हो अनलिमिटेड कोबलस्टोन के अधिकारी, जो कि एक स्काई ब्लॉक मैप में सबसे ज़रूरी होता है। तो करते हैं कुछ कोबलस्टोन कलेक्ट। वैसे ये लोग जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जो हाँ इधर एक वुड लगा के देखते हैं फ़र्क पड़ रहा है। हाँ फ़र्क तो पड़ रहा है। ये क्या हो गया, वुड कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हुआ। चलिए उल्टे जैसे, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे बेड रॉक से माइन करेंगे। तो अब मैं स्टोन, थोड़ा स्टोन कलेक्ट करूँगा और उसको कट कर दूँगा। अब हमारे पास 16 स्टोन हो चुके हैं, तो इससे हम फिर से हम जाकर थोड़ा चेक करके आएंगे कि इस कोबल स्टोन का कुछ किया जा सकता है कि नहीं, मतलब इस कोबल स्टोन से हम कुछ बेच सकते हैं या नहीं। देखते हैं, नहीं कुछ बेच नहीं सकते। चलिए जब तक आए, नो शिट पैसा लाना भूल गया, चलो फिर छोड़ दो, घर ही चलते हैं एक बार। क्या रुक जाओ, अच्छा 2 एमरल रखते हैं, ठीक है। वो आयरन का प्राइस चेक कर रहा था, तो चलो फिर से घर पर चलते हैं। और यहाँ पे और थोड़ी कोबल स्टोन कलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे भी लीफ बिछड़ रहा है, और पहले एक फर्नेस और एक पिकैक्स बना लेते हैं, एक पिकैक्स और एक फर्नेस। इस फर्नेस को हम इधर प्लेस करेंगे, अच्छी जगह है। अब यहाँ पे अचीवमेंट्स का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब पूरा जावा जैसा है। थोड़ा इसको उस जगह साफ ही कर देता हूँ, इस जगह को साफ थोड़ा साफ करता हूँ, ताकि हमें थोड़ा मतलब और ज़्यादा सैपलिंग्स मिल जाए। अभी भी 3 सैपलिंग्स हैं सब। अब थोड़े और सैपलिंग से हम क्या करेंगे, इधर ट्री ग्रो करेंगे और एक अच्छा सा वो, इसीलिए की भी इन्वेंटरी ऑन रखने को आता, क्योंकि मैं बिना वजह ही मर जाता हूँ, कभी वजह से नहीं बिना वजह के मर जाता हूँ। तो 4 सैपलिंग्स हो चुके हैं, ये बहुत ही काफ़ी है, तो थोड़ा इन्हें प्लेस कर देता हूँ। और जिस किसी को पता नहीं उसके मैं बता दूँ कि ओक ट्रीज आजू बाजू में ग्रो होते हैं, इनका ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं चाहिए होता है, तो ये ग्रो होते हैं। बहुत ही अच्छी सिस्टम है,
तो अब यहाँ पे मेरा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर वो क्या चीज़ है अब देख रहे हो, शायद वो ही एंड का डायमेंशन है। आपने वो देखा कि नहीं पता नहीं, पर ऊपर का शायद वही एंड डायमेंशन जाने का गेट है। तो हमें हमारा शायद वही गोल है, तो उसके हम आगे के सीरीज़ में देखेंगे। इस सीरीज़ में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक इस सारे आइलैंड में से एक आइलैंड में तो मैं जाऊँगा ही, कौन से आइलैंड में जाऊँ वो आगे देखा जाएगा। मैं एक स्टोन एक्स बना रहता हूँ सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब कोई मॉब अगर अटैक कर दे, अगर कभी किसी भी तरीके से अटैक कर दे, तो हमारे पास एक सेफ्टी मेजर रहेगा। अब स्वॉर्ड्स में नहीं बना रहा, क्योंकि बाद में मैं एक आयरन स्वॉर्ड बना ही लूँगा और उसी को मैं पूरी सीरीज में यूज़ करूँगा। तो और डायमंड मिला तो बहुत ही बढ़िया, तो आयरन बना के मैं वेस्ट नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर और माइन करने की सोच रहा हूँ, के लिए मैं कट कर दूँगा और जमा करने के बाद प्ले करूँगा। और अब हम आ चुके हैं प्ले करने के बाद, और मैं सारे चीज़ को स्लैब्स में बदल दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा एक पाथवे बनाऊँगा। और मैंने चूज़ किया कि मैं इस आइलैंड पर जाऊँगा, मतलब पहले हब तक जाने का रास्ता बना लूँ। मैं अभी भी चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ किस आइलैंड पर पहले जाना चाहिए, तो तब तक के लिए हब तक जाने का एक रास्ता बना रहे थे। और अब ठीक है कि ऐसा बनने का वजह से ये है कि यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं हो पाएगा और मुझे ज़्यादा टॉर्च यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बस लाइटिंग के लिए थोड़ा करूँगा ताकि चारों तरफ अंधेरा ना हो। और बस अब मैं थोड़ी जगह को बड़ा कर दूँगा ताकि थोड़ी चलने फिरने के लिए भी जगह हो जाए। इस प्लस से बहुत मुश्किल होती है फ़ोन में, ये कम पीसी में तो बहुत बढ़िया होता है लेकिन फ़ोन में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। तो थोड़ी सी पुअर स्टैटिस्टिक के बाद मैं एक पाथवे बनाने वाला हूँ, थोड़ा ज़्यादा मोटा नहीं करूँगा, बस थोड़ा ही, ये तीन ही काफ़ी है, ये तीन लेयर ही काफ़ी है, बस इतना तक काफ़ी है। अब थोड़ी सी लाइटिंग भी बढ़ा देता हूँ इस जगह की, ताकि मॉब स्पॉनिंग कम हो। और इधर भी थोड़ा दो लाइट लगा देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, लग रहा है ना बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि उस टेंपल वाले प्लैनेट में ही जाऊँगा, चलो उस टेंपल वाले में ही चलते हैं। रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ नीचे से लगाऊँगा ताकि इस पाथवे में मैं तो मुझे लाइट लगाना ना पड़े। और स्पीड ब्रिजिंग करूँगा, रुक जाओ तुम देखो तुम्हारे भाई का स्पीड ब्रिजिंग, मोबाइल फ़ोन में इतना गॉड ब्रिजिंग करने वाला हूँ मैं, मतलब देखते जाओ थोड़ी देर में। थोड़ा रनवे ले रहा हूँ, और रनवे लेने के बाद अब 1 2 3 गो, तो इतना तक लगाते 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 फिनिश हो गया। सॉरी फॉर दिस बैड कमेंट्री, मतलब थोड़ा जोक्स मारना चाहता था और मुझे पता है मुझे जोक्स मारना नहीं आता है। तो अब इस जोक्स मारने के बाद मैं आता हूँ पीछे और बैकवर्ड में, क्योंकि मेरा स्लैब्स ख़त्म हो चुका है, ऑब्वियसली मुझे और स्लैब्स चाहिए होगा। तो मैं थोड़ी देर और माइन करूँगा, और जब तक माइन करूँगा तब तक का हिस्सा मैं कट करने वाला हूँ। और जब तक मैं माइन करता हूँ तब तक आप एक काम कीजिए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे और कॉन्टेंट लाता रहूँ। मुझे एक आइडिया आया तो दो आर्मर स्टैंड बनाने का, तो मैं उस आर्मर स्टैंड बनाऊंगा और इस आर्मर स्टैंड को भी मैं अब सेव करके रख दूंगा ताकि मैं उसको बाद में इस्तेमाल कर सकूं। इसीलिए मैं वीडियो को पॉज कर ताकि आपको बता दूं। और मैं फिर से माइनिंग के लिए जाऊँ, वुड कटिंग करूँगा, तो इस वुड कटिंग मोमेंट को भी मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में था इसलिए मैंने वुड कटिंग को थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि आपको
बोर ना लगे, या फिर आप कहेंगे तो मैं बाद में उस वुड कटिंग को भी अपलोड कर दूंगा, और अब मैं चारकोल बनाऊंगा और स्मेल्टिंग को भी मैं कट करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सातों स्मेल्टिंग होने में इतना टाइम लेगा कि आप तब तक सो के खा के उठ के आ जाओगे। अब आगे जब मैं कट करूंगा ना, तब आप देखोगे मैं वीडियो को 16x में कट करूंगा, और आपको आप समझोगे कि ये कितना स्लो लेता है। मतलब मैं जब भी अभी नहीं करूंगा, रुक जाओ, पिक, ये पिक कहाँ से आया? वो हो मतलब यहाँ पे मॉब स्पॉन हो रहा है, मतलब इस जगह पे मॉब स्पॉनिंग होगा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, जा मैं कट कर देता हूँ, और थोड़ा माइनिंग, ब्रिजिंग और ये सब करूँगा, क्योंकि स्लैपिंग, स्टोन कन्वर्टिंग करके पूरा पहले के ब्रिज तक चला जाऊँगा, और फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ना लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने माइनिंग, ब्रिजिंग और ये सब फास्ट फॉरवर्डिंग करके पूरा जंगल टेम्पल तक आपको ले चले आया हूँ, और आज के वीडियो में इतना तक ही रखूँगा। थोड़ा माइनिंग, ब्रिजिंग और ये थोड़ा वर्ल्ड टूर के ऊपर था वीडियो, जस्ट मैं यहाँ पे आकर आप अगले वीडियो में मैं यहाँ पे इस जगह की एक टूर करूँगा, और एक एमरल्ड फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ लाने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है हमारे अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।